है आना कि हम मम्मी को मतलब पापा को बीमार करके लेके आए हैं। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज ना एक गुड न्यूज़ सुनाएंगे, छोटा मोटा गुड न्यूज है, ऐसा इतना बड़ा है नहीं। पापा बिल्कुल ठीक तो हुए नहीं है, लेकिन इतना कॉस्ट लगने के वजह से अब सब ना परेशान हो गए हैं कि इतना कॉस्ट लग रहा है, अब क्या करें। तो अब हम लोग फाइनली प्लान किए कि पापा को हम लोग ले आएंगे अपने यहाँ, मतलब यानी मेरे डिस्पेंसरी में पापा रहेंगे, यहीं पे उनका ट्रीटमेंट करेंगे। तो अब चल रही है पापा के आने की तैयारी, ताकि नॉर्मल डिस्पेंसरी में उनको लाना नहीं है, ताकि वो मेरे घर के मेहमान हैं, तो मेहमान को लोग लाते हैं पूरा तैयारी के साथ। तो तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं, जिम्मी दादा का वेलकम करने के लिए एक्साइटेड है एकदम। और उसके बाद देखिए गोपू मिश्रा जी दुकान सरिया रही हैं, ताकि वो आए तो थोड़ा अच्छा लगे। उसके बाद हम ये बेड को उठा करके, देखो जब भी कोई पेशेंट रहता है ना बेड पर जो अनकॉन्शियस है, तो उस पेशेंट के लिए आपको ना दोनों तरफ से स्पेस चाहिए, इस तरफ और उस तरफ, दोनों तरफ से आप घुस सकते हैं, क्योंकि पेशेंट को बार बार ऊपर खींचना पड़ता है, उठाना बैठाना जो भी, तो दोनों तरफ से स्पेस चाहिए। तो इस बेड को हम ले आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर लगा देंगे अगर बेड, तो दोनों तरफ से स्पेस होगा, बीच में बेड लगाएंगे दोनों तरफ से स्पेस होगा, तो पापा को रखने में बनेगा। तो चलो काम स्टार्ट करते हैं, आप लोग ब्लॉग में बने हुए रहो। ये जो बेड है ना, उस बेड के नीचे एक टूल रखे हुए, टूल इसलिए रखे हुए है ना कि स्पेस नहीं था हमारे दुकान के अंदर, तो टूल को उसी के अंदर एडजस्ट कर दिए थे और बेड को दीवार में सटा दिए थे, क्योंकि उतना यूज नहीं होता था और जिम्मी उसी में बंधाया करता था। आप पापा के आने की वजह से ना वो जो बेड है ना उसको हमको बीच में करना होगा, जिस पर कि पापा आसानी से लेट सकें और दोनों तरफ से हम उनका ट्रीटमेंट कर सकें। तो पापा के लिए थोड़ा सा दुकान ना कुछ दिन से साफ सफाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा गंदगी भरा हुआ था। और इधर अगर स्पेस नहीं बनाएंगे तो जो जैसे मम्मी रहेगी, हम लोग रहेंगे, तो कुछ चाहिए बैठने के लिए, जिस पर बैठ करके पापा का लोग केयर करेगा, कि हर हमेशा कुर्सी पर कितना लोग बैठेगा। तो हम ना पूरे दुकान को थोड़ा सेटलमेंट कर दिए, जिससे कि थोड़ा स्पेस अच्छा बने। उसके लिए हमको काम अच्छा खासा करना पड़ गया। ये गोदरेज जो था इधर से इसका फेस था, हम उसको घुमा दिए, इसलिए कि वो घुमा देंगे ना, पीछे गंदा भी बहुत था, तो उसको घुमा, देखिए आप गोदरेज घुमाएंगे ना तो इस तरह से स्पेस पिंजरा की तरफ ना गोदरेज को ऐसे घुमा दिए हैं, और घुमा करके यहाँ पे सिलाई मशीन लगा दिए, तो पिंजरा की तरफ हो गया ये दोनों। और ये दोनों होने की वजह से यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस बच गया, जिधर हम टूल लगाया करेंगे, टेबुल लगाएंगे इधर। तो हम ये कर लिए, ये जो गोदरेज है ना उसके पीछे भी बहुत गंदा था, क्योंकि चूहा क्या करता है ना, घर में जितना कचरा दुकान के अंदर रहता है वो सब उठा करके गोदरेज के पीछे ले जाके रख देता है, तो वहाँ पे भी बहुत गंदा रहता है। तो वो सब हम वहाँ से साफ कर लिए, साफ करके निकाल के उसके बाद ये जो टूल था जो बेड के नीचे से निकला है, उसके बाद ये चौकी है जिस पर हम पेशेंट, वो नॉर्मल डिलीवरी का काम होता है या उधर पेशेंट बैठता है उस पर, या स्लाइन व्लाइन करते हैं, वो चौकी को ला करके यहाँ सेट कर दिया। ये ना दो बेड, दोनों एक जगह सेट हो गया, अब इस पर हम बेड लगा देंगे, इससे क्या होगा हम सब बैठेंगे आराम से, रात में सोएंगे क्योंकि पापा यहाँ रहेंगे तो रात में सोना भी पड़ेगा। उसके बाद इस पर बिछाने के लिए हमको कुछ नहीं था, हमारे पास योगा मैट था, वो हम तब तक बिछा दिए हैं। उसके बाद घर से कुछ कुछ ला के हम इस पर बिछा देंगे, जिससे क्या होगा कि सबको बैठने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा इस पर, और लेटेगा भी, लोग थके हुए रहेगा तो लेटेगा भी इसी पर आकर के। उसके बाद जो गंदा बचा है वो सब हम समेट ले रहे हैं। जिम्मी भी बहुत एक्साइटेड है, इधर से उधर काम में डिस्टर्ब खूब करता है। जिम्मी का वैसे भी शुरू से आदत है, वो काम में डिस्टर्ब करता ही है, लेकिन अच्छा लगता है। अगर वो डिस्टर्ब नहीं करता तो हम लोग लगता है क्या बात है कि जिम्मी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो वो चीज भी बहुत अच्छा लगता है। जिम्मी को देखिए, वो भी सोच रहा है क्या हो रहा है। कैसे हो आप? सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी ना हम पापा के लिए सारा कुछ तैयारी कर लिए हैं, पापा आएंगे तो पापा को कहाँ रखेंगे, जैसे पापा को इस बेड पर रखेंगे, दोनों तरफ से गैप कर दिए, उधर से गैप कर दिए ताकि उधर से घुस के उनका केयर कर सके, देख सके, उनको बैठा उठा सके। उसके बाद मम्मी हम लोग सब बैठेंगे या रात में सोएंगे, तो यहाँ पर ये व्यवस्था कर दिए, मेरे पास ज्यादा व्यवस्था नहीं था तो हम क्या किन दो को बेंच को जोड़ दिए यहाँ, ताकि चौकी के हम लोग के पास स्थान है, उस पर हमने योगा मैट बिछा दिए, बिछा करके यहाँ पर सेटिंग कर दिए मम्मी के लिए, और पापा के लिए हो गया, मम्मी के लिए हो गया, और हम लोग भी इस पर रहेंगे दिन भर रहेंगे। तो आप उनका आने का वेट करते हैं, आप लोग इंतजार कीजिए उनका आने का। पापा का एम्बुलेंस वहां से खुल चुका है, तो सबसे पहले छोटू जी आ गए हैं, छोटू जी आ गए हैं, उसके बाद मनोज जी आ गए हैं, दोनों भाई आ गए हैं, मनोज जी और छोटू जी दोनों पहले आ गए हैं एम्बुलेंस में, चंदन और मम्मी और पापा और ये लोग आ रहे हैं। तो हम लोग बाहर खड़ा होकर के पापा का वेट करें। ये मनोज जी का ना छोटे भाई हैं, इनसे भी एक छोटे हैं लेकिन इनका नाम छोटू है। उसके बाद जिम्मी अपने चाचा को देख करके इस तरह से एक्साइटेड हो रहा था, उसका गाड़ी देख करके पहचान रहा था कि मेरा ही घर का गाड़ी है, अपना खून को पहचान जाता है लोग। और जिम्मी भी वो खुश हो रहा था, हम लोग भी सब बाहर खड़ा थे क्योंकि पापा का वेलकम करने का इंतजार कर रहे थे कि मेरे घर पापा आ रहे हैं, एम्बुलेंस से ही सही लेकिन आ रहे थे, इंतजार कर रहे थे, छोटू आए बता रहे थे, कुछ कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन हम जिम्मी को फोकस कर रहे थे क्योंकि हमको अच्छा लगता है जिम्मी को। क्या है ना कि जो भी घर से आते हैं ना, जिससे नहीं भी मिला हुआ है ना,
उसको देख के भी ऐसे ये मतलब पूछ ही फंसा लाता, लिया। ऐसा शायद होगा रिलेशन अच्छा है यही इस रह तरह तू का यही जिसकी रह, तू वजह से अंदर हो अभी रहा नहीं होगा। रहे जिम्मी को मनोजी बाहर बांध दिए हैं क्योंकि अंदर में बेड पर पापा को लेना होगा। एम्बुलेंस आ गया, हम एम्बुलेंस को बोले कि आप आगे चले जाओ, वहां से टर्निंग लेके आओ, मोड़ पर से आप टर्निंग लेके आओगे तो फिर घुमा करके अंदर की ओर डिप करोगे, फिर हमारे दुकान के अंदर ही गाड़ी आ जाएगा, तो फिर निकालने में आराम होगा। एम्बुलेंस वही किया गया अंदर, अंदर से लेकर के गाड़ी घुमा करके आया, फिर पापा को यहाँ उतारने की प्रोसेस शुरू हुई। सब लोग लगे, वीडियो हम थोड़ा फास्ट कर दिए क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा था, तो जिसकी वजह से हम फास्ट कर दिए। तो पहले हम गए पापा को सिचुएशन लगा करके देखने के लिए कि पापा का ऑक्सीजन SpO2 कितना, हार्ट रेट कितना है, क्योंकि लाने में थोड़ा सा पेशेंट के ऊपर प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से। और सब लोग, ये छोटू हो गए पीला टी शर्ट वाले, चंदन हो गए मनोज जी के सबसे छोटा भाई, और मनोज जी यहाँ हो गए, तीनों भाई यहाँ पे मुस्तैद हैं। और मम्मी अभी एम्बुलेंस में ही बैठी हुई है क्योंकि गाड़ी जहाँ लगी ना वहाँ पोल था, तो मम्मी का गेट नहीं खुल रहा था, तो जब एम्बुलेंस स्टार्ट होगी ना तो मम्मी आगे जाएंगी, तब जाके गेट खुलेगा। तब तक पापा को शिफ्ट कर लिया गया स्ट्रेचर पर, शिफ्ट करके अंदर ले चलते हैं पापा को, हम भी साथ में हैं। क्योंकि हमको ऐसा, मतलब हमारा सोच ऐसा है ना कि सब ध्यान अच्छे से नहीं दे रहा होगा, उस चक्कर में ना हम ध्यान देने लगते हैं, हमको हर हमेशा फील होता है कि वो केयर अच्छा से नहीं हो रहा है तो हम केयर करेंगे, इस चक्कर में हम आगे पीछे लटक रहते हैं। क्योंकि हमको ऐसा सोच है मेरा कि कोई अगर केयर कर रहा है तो उस तरह करें। उसके बाद जब उतारने की बारी हुई तो हम तुरंत बेड पर चढ़ गए पापा को उतारने के लिए। देखो हम लोग को एक्सपीरियंस है पेशेंट को किधर से पकड़ना है, किधर से उल्टाना है, कैसे उठाना है, कैसे उतारना है, ये सब हम लोग को हम लोग के मेडिकल ट्रेनिंग में ही ये सब आ जाता है। उसके बाद ना चादर, ये एम्बुलेंस हॉस्पिटल से लेके आया था तो वो मांग रहा था चादर हमारा दीजिए, तो फिर हम पापा को वहाँ से चादर खींच के ला दिए। उसके बाद पापा बेड आउट ऑक्सीजन के नहीं आए हैं, पापा को ऑक्सीजन के साथ लाया गया है क्योंकि पापा सिचुएशन, मतलब SpO2 मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं बिना ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन लगा हुआ रहेगा। पूरा सिलेंडर लिया गया है, 5,000 इसका सिक्योरिटी मनी होती है और 1,000 रुपया इसमें खर्चा पड़ती है, लेकिन हॉस्पिटल ना मेरे क्रेडिट की वजह से वो 1,000 रुपये से सिलेंडर का लिया और बोला कि नेक्स्ट राउंड 3 दिन बाद पहुँचाना रहता है, लेकिन हम तो पहुँचाएंगे नहीं 3 दिन बाद, वो लोग कुछ बोलेगा भी नहीं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। जब तक चलेगा तब तक चलेगा, पापा का सिचुएशन मेंटेन होगा, सिलेंडर वापस चला जाएगा, पूरा जाए या आधा जाए उसी तरह से। हाँ पापा अभी आए हैं, अभी पापा सीरियस ही हैं क्योंकि पापा बिल्कुल कॉन्शियस नहीं है। हॉस्पिटल से घर लाने का वजह ये था कि हॉस्पिटल में बहुत कॉस्ट लग रही थी और सबकी स्थिति खराब थी, कहे कि आजकल क्या है ना कि लोग जितना कमाता है उस हिसाब से खर्चा करता है, सबके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, सबका पढ़ाई में खर्चा है, कोई सरकारी नौकरी वाले घर में नहीं है, टोटल भाई जो मनोज जी 5 भाई हैं ना, कोई भी सरकारी नौकरी वाले नहीं हैं, सब कमाते खाते हैं। कमाते खाते वाले आदमी को अचानक से इतना पैसा अरेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, तो हम लोग जब मेडिकल लाइन में है तो हॉस्पिटल में क्यों लूट मचाने दें, इसलिए हम लोग हॉस्पिटल से घर लाने का डिसीजन लिए। क्योंकि एक दिन का, मतलब एक टाइम का मेडिसिन लमसम 4,000 का पड़ रहा था पापा को, तो वो चीज़ हम लोग को ज़्यादा अखर रहा था कि 4,000 में पापा को 3 दिन का मेडिसिन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ना बेफालतू का खर्च हो रही थी, बेफालतू का मतलब मतलब महसूस हो रहा था कि ये खर्च की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये खर्च हो रही, फिर भी हॉस्पिटल बहुत कोऑपरेट किया हमको, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, जितना हम कम करने के लिए बोले कम करते गया, लेकिन फिर एक लिमिट होता है ना, लेकिन मेडिसिन वाला ना कम नहीं कर रहा था, मेडिसिन वाला अपने तरीके से चल रहा था, तो फिर हम लोग इसलिए ये डिसीजन लिए कि जो ट्रीटमेंट पापा का वहाँ हो रहा है वो ट्रीटमेंट हम लोग यहीं करेंगे। थोड़ा हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा पापा के प्रति, तो हम लोग मेहनत करेंगे पापा को, इस बार कोशिश करेंगे कि भगवान सपोर्ट करें और पापा अपने पैर पर खड़ा हो जाए, क्योंकि पिछले बार हम लोग भी, हम और मनोज जी बहुत मेहनत किए, साथ में मम्मी का भी बहुत मेहनत था तो पापा अपने पैर पर खड़ा हुए थे, तो इस बार भी यही मन है हम लोग का कि पापा इस बार अपने पैर पर खड़ा हो जाए। और देखो आना जाना सबको है, आज न कल पापा को भी जाना है, मेरा दिल से इच्छा ये है कि पापा ठीक होके घर चले जाएं। अब इतना खर्चा किया है सब लोग, तो पापा रहें 5 साल 7 साल और जिए, और सबको अखरने ना दें कि पापा में हम 2 लाख या 2.5 लाख रुपया लगाए हैं तो मेरे पापा मेरे नज़र के सामने नहीं है, ये चीज़ ना हो, पापा कुछ दिन और रहें और 5 साल 6 साल बाद जब जाना होगा, क्योंकि अब ये ओल्ड एज हो गए हैं और बहुत सारे बीमारी से ग्रसित हो गए हैं, तो अब ये ज़्यादा दिन के मेहमान रहे नहीं, तो कुछ दिन बाद जाएं, 5 साल 6 साल बाद जाएं, ऐसे जाएं जैसे अचानक से फ़ोन आए कि अब पापा नहीं रहे। हम नहीं चाहते हैं कि पापा परेशान होके जाए, क्योंकि जो हॉस्पिटल में एडमिट के बाद जो देह में तक। हे भगवान कैसे हो आप सब, आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो पापा मेरे यहाँ शिफ्ट हो गए हैं मेरे डिस्पेंसरी पर और सब 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 सेटल हो गया है, तो अब जा रहे हम लोग घर, मम्मी भी मेरे साथ में, गोपू जा रहे साथ में। गोपू हाय करो, हाय हाय।
और मम्मी को घर ले जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे इतना खुशी लग रहा है, इतना खुशी लग रहा है कि हम आप लोग को बता नहीं सकते, आप लोग शेयर नहीं कर सकते हैं कि हमको नहीं उम्मीद था। अब जो भी हो, इस तरह से आना तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन हाँ बढ़िया से आती तो हमको ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जैसे भी आए आप बस पापा के साथ चल के चली जाएंगे, हमको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ पापा अपने पैर पर चल के ऑटो में या बाइक पर बैठ करके चले जाएंगे, तब हमको लगेगा कि हमारा महीना सफल हुआ, और फिर हमको अच्छा भी लगेगा कि मम्मी मेरे यहाँ आई तो उस तरीके से आई, आना कि हम मम्मी को मतलब पापा को बीमार करके लेके आए। हाँ लेकिन छूना नहीं तुम, हम उसको बोले काटने के लिए, गोपू आएगा ना तो गोपू को काटना, समझे? हाँ तुमको काटेगा, कि ऐसे है ये ऐसे है। साजन देखिए ना कितना हो गया, अभी तक साजन नहीं दिखा आपको? उसको काटना है, आगे नहीं बढ़ने देना है, इतने दूर में रखना है पेड़ को, अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ने देना है। दो दिन तो नहीं पड़ेगा ना, तो पड़ेगा नहीं, पड़ेगा तभी पड़ेगा, जैसे जी खेत में इसका लगाए ना, नेम है, इसका नेम है कि हाँ बढ़ेगा तो पड़ेगा, ओ तो बढ़े बढ़े, गमला में कितना बढ़ने दिया जाएगा? तो उतना बड़ा है हाँ तो कितना पेड़ भारी भी तो होगा, बढ़ेगा तो कितना ना, भारी होगा? ना भाई वो ओ जोर तो आई गिरेगा देखिए, नहीं, ये 350 का पेड़ है, ये कुछ भी पेड़ ये है सो प्लांट, इसका नाम है क्या बोलते हैं, भूल गए जा क्या नाम है, एडेडियम। जीतिया अगले महीना में तो जीतिया हाँ 24 तारीख को, आज क्या अगला महीना क्या, 4-5 को दिन है, चार हाँ पांच को 6 को दिन है, मतलब 16 तारीख हुआ ना, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 4 दिन ही है, 4 दिन हूँ, 8 दिन। हर दिन में हाँ जीतिया हाँ शब्द का दादा नहीं होता था नाम ओ एगो केला का पेड़ है यहाँ पर, और एगो एडेडियम यहाँ है 300 का, जिसका थंब देखे कितना चौड़ा किए हैं, एगो एडेडियम का यहाँ बच्चा है, छोटा बच्चा है, तेरा ना पापा रोक दे तो ये इधर कहीं से लाके रोपे है, पहले नहीं था। पापा ये मिर्ची का पेड़ फुला रहा है, ढेर दिन से फुला रहा है, सब पुरन का पेड़ ये फर नहीं रहा है ये बोला है ना, ऊ वाला ये तो दोबारा फरबे करता है, इसको चूहा नहीं फरने दिया, अब बांझ हो गया है लग रहा है, दोबारा कोशिश किया फरने का, एक राउंड फर के शांत हो गया, होली हो देखिए वो फरा है, सही है अरे वो फरल हो गया हाँ। चूहा इसके तौर में घर बना लिया था, हम लोग को टाइम नहीं मिल रहा था इसको देखने का, तो अरे सूखते जा रहा वो फरल था। हाँ तन्नी को फरल, इसका वीडियो दिखाएंगे ना जो फरा था सो, तो देखिएगा तो ये तो बरबर लाल लाल पेड़ में फरल है, लेकिन हम लोग तोड़ के खा नहीं रहे हैं, सुंदर लग रहा, पक के चू गया लेकिन तोड़े नहीं ये तो बिजली वाला तार है ना, बिजली वाला ना है, कॉल बेल का है, वहाँ ये कॉल बेल बजेगा ना, वाला कॉल बेल बजेगा ना ये, तभी यहाँ घर में बजेगा। अब पापा ठीक हो गए, फाइनल कल आइएगा तो इससे भी बढ़िया लगा देंगे। पूरा अब मम्मी यहाँ से जा रही हैं रात में पापा के पास हम लोग ही रहेंगे, तो आप सब बताना पूरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और पापा के लिए दुआ करना कि पापा ठीक हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में बचा हुआ हाल पापा का बताते हैं कि क्या पापा का हाल है, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखना। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय और आप सभी को गुड नाइट। रात की वीडियो थोड़ा सा है जो नेक्स्ट वीडियो में जाएगा, तो चलो बाय बाय, गुड नाइट।